एमपी में दलित युवक को निर्वस्त कर पीटने का वीडियो, राज्यपाल से मिले कमलनाथ, बोले आदिवासियों पर अत्याचार के रोज नए मामले आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल, आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। पहले सीधी का पेशाब कांड, फिर इंदौर में आदिवासी नाबालिग लड़कों की बेरहमी से पिटाई के बाद सागर में दलित युवक को निर्वस्त कर बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो करीब 8 महीने पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित की पहचान कर ली है, अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। युवक के साथ मारपीट की ये घटना 8 से 9 अक्टूबर 2022 की बताई जा रही है। वीडियो सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहां भोपाल रोड स्थित धर्मकांटा के पास कुछ लोगों ने युवक को चोरी के शक में पकड़ लिया था। वे उसे एक कमरे में ले गए, फिर उसे नग्न कर लाठी डंडों से पीटा। पीड़ित मकरोनिया क्षेत्र के एक गाँव का रहने वाला है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। उन्होंने कहा, आदिवासियों पर अत्याचार के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्यपाल खुद आदिवासी वर्ग से आते हैं। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें खुद आगे आना होगा। हमने उनसे मांग की है कि वे आदिवासियों की रक्षा के लिए कदम उठाएँ, खुद जांच करें। आज नहीं तो कल पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक को निर्वस्त कर दीवार के सहारे बैठाया गया है। उसके दोनों ओर दो लोग डंडे लेकर उसे मार रहे हैं। पीड़ित से हथेली खोलकर दोनों हाथ आगे करने को कहा गया, फिर एक युवक डंडे से उसकी हथेली पर वार करता है। एक युवक आकर उसकी पीठ पर मारता है। पीड़ित गिड़गिड़ाता है, पीटने वालों से कहता है, भैया जान से मार दो, लेकिन आरोपी नहीं रुकते, वे उसे लगातार पीटते हैं। वीडियो में धर्मेंद्र नाम सुनाई दे रहा है। एडिशनल एसपी विक्रम ने कहा कि आरोपियों की खोजबीन की जा रही है। इंदौर में दो आदिवासी लड़कों के साथ मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक दोनों को पाइप से पीटते दिख रहा है। मारपीट करने वाला युवक गालियां भी दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद आदिवासी संगठन जयश ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस घटना के बहाने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। ग्वालियर में सिंधी के पेशाब कांड जैसी घटना सामने आई है। यहाँ एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें चलती कार में एक युवक को जमकर पीटा जा रहा है। उसके चेहरे पर चप्पलें मारी जा रही हैं। मारपीट कर रहा शख्स युवक से खुद को बाप कहलवा रहा है, अपने तलवे भी चटवा रहा है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि वीडियो कब का है। शिवपुरी के नरवर थाना क्षेत्र के बरखाड़ी गांव में 30 जून को दो दलित युवकों का मुंह काला किया गया। उन्हें जूते चप्पलों की माला पहनाई, उनके मुँह में मल भर दिया और उनके कपड़ों पर भी लगाया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, 6 को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी अमले ने गुरुवार को इनके घर पर बुलडोजर चला दिया। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप एमपी 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज। प्रवेश प्रारंभ, एडमिशन ओपन। शिक्षा के क्षेत्र में कुकड़ेश्वर का सबसे अग्रणी संस्थान छत्रपति गवर्नमेंट स्कूल कुकड़ेश्वर, शिक्षा के साथ दिए जाते हैं संस्कार। अपने बच्चों को प्रवेश दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। शिक्षा ही जीवन का आधार, एक कदम शिक्षा की ओर। हमारी सेवाएं हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, योग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन, न्यूनतम एडमिशन फीस, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सामान्य ज्ञान छात्र छात्राओं को मिलेगा, शासन की योजनाओं का लाभ, समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य उपयोगी सुविधाएं, भय मुक्त वातावरण, कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। स्थान
कुकरेश्वर में कई वर्षों से संचालित छत्रपति गवर्नमेंट स्कूल ब्राह्मण मोहल्ला कुकरेश्वर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्कूल संचालिका श्रीमती मधु ओझा, संपर्क नंबर 9575273860।